नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का अभियान, ग्रामीण पुलिस बच्चों को देगी रास्ता सुरक्षा की जानकारी। पेट्रोल पंप पर पुलिस तथा व्यक्ति में विवाद, पुलिसकर्मी के साथ की गई मारपीट। और रनाला ग्राम पंचायत अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी में महिलाओं के आत्मदाह को पुलिस ने किया विफल। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर काटोल रोड के गिट्टी गदान इलाके में स्टार बस में डीजल लीक होने से चलती बस में आग लग गई। नागपुर सिटी ट्रांसपोर्ट की बस गिट्टी गदान क्षेत्र की ओर जा रही थी, लेकिन बस से डीजल लीक होने के कारण बस में आग लग गई। चालक और कंडक्टर समय पर यात्रियों के साथ उतरने में सफल हुए, जिसे कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। नागपुर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशामक विभाग की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति ने विवाद कर वहां प्रबंधक के रूप में तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आइए देखते हैं। पुलिस स्टेशन मानकापुर के एरिया में सीआईडी के बाजू में पेट्रोल पंप है। वेलफेयर की तरफ से, पुलिस नागपुर शहर वेलफेयर की तरफ से, वहाँ पे एएसआई चंद्रपाल पर्वत सिंह राजपूत ये प्रबंधन करके ड्यूटी पे है। सो 6/3/2022 को रात 9:30 से 10 बजे के दरम्यान आरोपी आदिल शेख अलीम शेख, उम्र 24 साल, ये आए पेट्रोल भरने के लिए। और उनको कहा गया कि आप लाइन में आके पेट्रोल भरो, तो इस कारण से उन दोनों में वाद विवाद होके मारपीट की गई। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन मानकापुर यहाँ पर 53/2022 कलम 353, 332, 186, 34 का गुना दाखिल है। दो आरोपी अटक है और आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। रास्तों पर होने वाले एक्सीडेंट को कम करने के लिए ग्रामीण पुलिस द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए जन जागृति की जा रही है और साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को भी जागरूक किया गया। जनाक्रोशच्या संबंधी आमचा उद्देश म्हणजे जे ॲक्सिडेंट किंवा रोडवरती सद्य परिस्थितीमध्ये जे अपघात होत आहेत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या अपघातात आपल्याला दरवर्षी कमीत कमी 10% अपघात कमी करायचे उद्दिष्ट आहे। मागील 2-3 महिन्यापासून आपण यामध्ये काम करत आहोत। तर असं एक उद्दिष्ट करण्यासाठी अपघात कमी करण्यासाठी आम्ही झेडपीचे आपले मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब कुंभेजकर साहेबांच्या सोबत यामध्ये आम्ही सुरुवात केली।
दोन तीन महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी आम्ही स्कूल फॉर पोलीस आणि पोलीस फॉर स्कूल या टॅगलाईन अंतर्गत काम केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आता काही एन जी ओच्या मदतीने ज्यामध्ये जन एक आघाडीने काम करणारी जनाक्रोश ही जी एन जी ओ आहे यामध्ये काम करत आहे. शहरामध्ये त्यांचं काम अत्यंत चांगलं आहे. बऱ्यापैकी ते दररोज स्कूलला भेटी देणे, रस्त्यावरती लोकांना गायडन्स करणे, अपघाताचे रूल पाळण्यासाठी सर्वांना जास्तीत जास्त प्रबोधन करणे ही कामं त्यांच्याकडनं होत असतात. आणि हेच आपल्या ग्रामीणमध्ये सुद्धा करण्यासाठी आम्ही आज काही कॅलेंडर असतील, त्याचबरोबर काही होर्डिंग्ज असतील यांचं अनावरण केलेलं आहे, जे आम्हाला स्कूलमध्ये मुलांना सतत आम्ही त्यामध्ये त्यांचा उपयोग करू आणि मुलांना एक हॅमरिंग झाली पाहिजे की आपण कसं महत्त्वाचं आहे की अपघात वाचून आपलं स्वतःला कसं वाचवता येईल आणि समाजाला कसं वाचवता येईल या दृष्टीने आमचा हा प्रयत्न आहे. आणि त्याचं आज शिवसाहेबांच्या हस्ते आम्ही आज अनावरण केलेलं आहे. मागील जवळपास 4 ते 5 महिन्यांपासून नागपूर ग्रामीण पोलीस आणि जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण भागात आपल्या नागरिकांना रस्ते सुरक्षाविषयी अजून जागृत करणं आणि विशेषतः शाळांमधील 8वी ते 12वीच्या मुलांच्या माध्यमातून त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहोचून तसेच मुलांना देखील स्वतःला त्याविषयी जागृत करून या ग्रामीण भागातील अपघातांची संख्या कमी करणं या उद्देशाने आमचं काम सुरू आहे. आज या प्रयत्नांमध्ये जनआक्रोश ही जी नागपूर जिल्ह्यातील एक अग्रगण्य संस्था या क्षेत्रात काम करते त्यांनी देखील त्यांचा हातभार लावला आहे आणि त्यांनी हे जे एक अग्रवेगळं कॅलेंडर इथे छापलं आहे त्यामध्ये आपल्याला इम्पॅक्टफुल वाटेल आणि आपण शाळांमध्ये हे कॅलेंडर लावल्यावर मुलांना देखील विचार करायला भाग पडेल अशा प्रकारचे यामध्ये संदेश दिलेले आहेत. आम्हाला विश्वास वाटतो की हे जे प्रयत्न आपले चालू आहेत, ऑलरेडी आम्ही 500 शाळांपर्यंत पोहोचून याविषयी रस्ता सुरक्षेविषयी कार्यक्रम देखील घेतले आहेत, हे अशाच प्रकारे पुढे चालू ठेवण्याचा आमचा मानस देखील आहे. आणि असे जे प्रयत्न चालू आहेत त्यामधून आपल्या जिल्ह्यामधील रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यामध्ये आपल्याला लक्षणीय घट येत्या काही महिन्यांमध्ये दिसेल अशी आम्हाला खात्री आहे आणि त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू आहेत. बुधवार को सुबह से ही नया कामठी पुलिस रनाला ग्राम पंचायत अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी छावनी में तब्दील हो गई, क्योंकि यहां ग्राम संरक्षण दल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व कामठी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष माया चवरे के नेतृत्व में महिलाएं रनाला स्थित हवेली बार को बंद करने की मांग करते हुए सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को मंगलवार को दोपहर महिला दिवस कार्यक्रम उपरांत धरना देकर नारेबाजी कर रहे थे. उनके आत्मदाह के प्रयास को विफल करने के लिए नया कामठी पुलिस थाना के पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद थे. साथ ही किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए वज्रवाहन वाहन और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी. पुलिस के अधिकारी व जवान आंदोलनकारी महिलाओं की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. शाम होते हुए पुलिस तथा राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारी ने बीच में मध्यस्थी कर आंदोलन को शांत किया तथा इस संदर्भ में जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात कही. आम्ही सुरुवातीपासून हवेली बिअर बार हा बंद व्हायला पाहिजे याकरिता सगळ्या प्रोसिजर करून दिल्या, ग्रामपंचायतचा ठराव पास करून दिला, त्याच्यानंतर आम्ही ग्रामसभा घेऊन दिली, त्याच्यानंतर आंदोलनं बरेच झाले. हे झाल्यानंतरही इथची परिस्थितीचा आढावा घेऊन कलेक्टर मॅडमनी तो त्यांच्या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी बंद केला. बंद केल्यानंतर परत यांनी मुंबईच्या कमिशनरकडे जाऊन तो ठराव म्हणजे दुकानाचं उघडण्याचं परमिशन त्यांनी घेऊन आलं. परमिशन त्याला म्हणता येत नाही. त्याने एकदम मोघममध्ये पत्र पाठवलेलं आहे. एका बाजूने आम्हाला बोलवलं तुमची तारीख आहे म्हणून, दुसऱ्या बाजूने त्याला सुरू करायला सांगितलं. पण असं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असं कुठंच नाही आहे. समजत नाही की तो काय प्रकार आहे. माझं म्हणणं हेच होतं शासनाला की जेव्हा आम्ही सांगितलं ठीक आहे तुम्ही गेले तिथपर्यंत, आम्ही जेव्हा म्हणत आहोत ग्राम संरक्षण दलाचं महिला मंडळ की तुम्हाला आम्हाला सुद्धा आमची बाजू मांडण्याचा अधिकार द्या, आणि जेव्हा तुमचा जो निर्णय असेल
तुम्ही निर्णय अधिकारी आहे, तुमचा जो निर्णय असेल आम्हाला मान्य राहील, पण आमचं ऐकून घेतल्याशिवाय तुम्ही कुठलाच निर्णय घेऊ नका. परंतु त्यांनी असं न करता त्यांनी त्याला परमिशन दिली आणि आम्हाला एका बाजूनं तारखेला बोलवलं. आता आमचं हेच म्हणणं आहे की जेव्हापर्यंत ही तारीख होईल तेव्हापर्यंत हा बार बंद ठेवा. की बार बार उसको आवाज दू गार्ड को की तू बेटा सर का ये कर, और बच्चे जवान, आज के बच्चे जवान खून है. अगर बच्चों ने लड़ लिए, कभी मार दिए, पीट लिए, झगड़ा हो गया, तो कौन जिम्मेदारी? अब आप पुलिस वालों ने लेते हैं ये जिम्मेदारी, या अगर बच्चे लोग कुछ करते हैं तो आप लोग उठाते हैं जिम्मेदारी? हमेशा मैं तो रहती हूँ घर के अंदर, बच्चे बाहर किससे लड़ रहे क्या पता चलेगा? तो ये गलत है ना. बाजू में तुम मेरे घर के बाजू में पार्किंग करके रख आते हैं जाते हैं, ओ ये बार समझ के इधर इधर घुसने के बजाय उधर घुस जाते हैं, बोतलें फेंकते हैं, लैट्रिन में बैठते हैं, ये रास्ते में घूमने जाते हैं लोग तो. हाँ, इतनी और गाड़ियाँ कई बार जो लगा तो वहाँ तक के पार्किंग रहती है गाड़ी की. पीछे में गार्डन है, पीछे में छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बोतल वहीं पर फेंकते हैं. और इतनी मांग क्या है? ये बार बंद होना चाहिए, मांग यही है हमारी सब औरतों की. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पिछले 8 महीने से वारांगना और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी का दौर जारी है. आज फिर एक बार महिला दिन होने के अवसर पर यहां तनातनी देखने को मिली. ज्वाला धोटे ने सारे वारांगनाओं को रास्ते पर खड़ा कर आंदोलन किया, साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. इस आंदोलन की मुख्य बात ये रही कि ज्वाला धोटे ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठों के विरोध में नारे लगाए, साथ ही उनकी निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए. दोन दिवसापूर्वी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री नागपूर दौऱ्यावर येतात, जनसंपर्क कार्यालयाचे रिबिना कापतात आणि निघून जातात. 8 महिन्यापासून या महिला पीडित आहे, यांचं दुःख, यांची वेदना गृहमंत्र्यांना दिसली नाही.
एकदम सफाई ने एकदम शिस्तप्रियपणे गृहमंत्र्यांनी या महिलांच्या समस्येला पाठ दाखवली आणि इकडनं निघून गेले. गृहमंत्री साहेब होश मिळाव. आपण एक सज्जन व्यक्तिमत्व आहे, परंतु कोणाच्या दबावाखाली आपण आहात हे आपण उघडकीस करावं. आणि सगळं प्रशासन नागपुरातलं, कलेक्टर ही महिला आहे, उपविभागीय आयुक्त या महिला आहेत, सेकंड सीपी या महिला आहेत, तरी महिलांवर अन्याय. एक के बाद एक महाराष्ट्र में सेंट्रल जांच एजेंसीज यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में आज मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने शिवसेना की युवा सेना के पदाधिकारी राहुल कनाल के पुणे और मुंबई स्थित घर और ऑफिस पर छापा मारा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें लगातार राहुल के घर और दफ्तरों को खंगाल रही है और उनका फोन फिलहाल बंद आ रहा है. राहुल को पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का करीबी बताया जाता है. यही वजह है कि इस मामले में अब एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो सकता है. शिवसेना नेता संजय राउत आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं. माना जा रहा है कि वे सेंट्रल जांच एजेंसीज को लेकर कोई खुलासा कर सकते हैं. आज की छापेमारी पर युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र पर पहले भी हमला हो चुका है, ये दिल्ली का आक्रमण है, यहाँ चुनाव होने वाले हैं. जब भी बीजेपी को महाविकास आघाड़ी सरकार से डर लगने लगा, तभी से यह सब शुरू है. बीजेपी का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया है. इन केंद्रीय एजेंसीज के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, महाराष्ट्र रुकेगा नहीं. वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल शिरडी देवस्थान के ट्रस्टी भी है. आयकर विभाग की टीम उनके बांद्रा के भाभा अस्पताल स्ट्रीट पर बने 9 अल्मीडा बिल्डिंग पर यह कार्रवाई कर रही है. कनाल की इमारत के नीचे सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात की गई है. ये भी क्लियर नहीं है कि राहुल अपने घर पर है या नहीं, लेकिन उनका फोन नंबर बंद आ रहा है. आयकर विभाग की इस कार्रवाई का बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग या कोई अन्य जांच एजेंसी छापेमारी से पहले पूरी सबूत जमा करती है, इसके बाद ही वह छापेमारी करती है. आयकर विभाग को शायद कनाल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, इसलिए उन्होंने छापा मारा है, उन्हें सहयोग करना चाहिए. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.